छत्रपति शिवाजी महाराज की महान धरती पे आज इधर आए आप सबको नमन। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत ही आदरणीय फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शरद पवार जी, इधर पहुंचे श्री उदय नारायण राजे भोसले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतारा, श्री संजय पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांगली, आदरणीय हेमंत राव गायकवाड समूह प्रमोटर्स, एमएलएज, डिग्निटरीज ऑन द डायस, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आज इस महान धरती पे मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही खुशी का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। सतारा मेगा फूड पार्क 2014 जून के महीने में हमारे मंत्रालय की तरफ से इसको फाइनल अप्रूवल देके 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी और ग्रांट दी गई, इस निशाने से कि इस इलाके में जितने भी किसान हैं, उन किसान भाइयों को आमदन डबल करने का जो निशाना माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने दिया है कि 2022 तक किसान की आमदन को दुगना करना है। किसान की आमदन को दुगना करने के लिए सबसे जरूरी है वैल्यू एडिशन, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए जहां पिछली सरकार ने माननीय शरद पवार जी की सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क सारे हिंदुस्तान में दिए, एक मेगा फूड पार्क को 2 साल में तैयार होना चाहिए। आज खुशी है कि जहां स्कीम 2008 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 2014 तक 42 पार्क्स में से केवल 2 पार्क्स ऑपरेशनलाइज हो सके थे, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग के कारण 2014 से लेके आज तक हमने तकरीबन 12 मेगा फूड पार्क तैयार कर दिए हैं और आज ये सतारा मेगा फूड पार्क का आज इसका उद्घाटन हो रहा है। ये मेगा फूड पार्क जिसमें ड्राई वेयर हाउस 5000 मेट्रिक टन का, हाई टेक्नोलॉजी कोल्ड स्टोरेज 3000 मेट्रिक टन का, पल्पिंग लाइन है, राइपनिंग चेंबर है, पैक हाउस भी है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है, शेड्स भी है। ये मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट जो माननीय शरद पवार जी ने बनाया था बहुत ही बढ़िया, एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था कि कॉमन सेंटर हो, कॉमन फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो, जहां पे दूसरे लोग आके कॉमन फैसिलिटी जब यूज करेंगे तो इंडस्ट्री लगाने का खर्चा कम होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेक्टर को फीड करेंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर जो पीपीसी अलग अलग जगह में लगेंगे, जैसे इस सतारा मेगा फूड पार्क के साथ जो पीपीसी है, एक पधारपुर में लग रहा है, एक नारायण गांव में लग रहा है, एक वाई में लग रहा है और एक अजारा में लग रहा है। तो यहाँ से जो प्राइमरी कलेक्शन और प्रोसेसिंग होगा वो इधर सेंट्रल प्रोसेसिंग को फीड करेगा, लेकिन इस पार्क के आने से तकरीबन 5000 नौजवानों को इस पार्क में रोजगार मिलेगा, जब यहाँ पे 30-40-50 और यूनिट लग जाएंगी, क्योंकि मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट है कॉमन प्रोसेसिंग और अलग अलग 5-10-50-60 यूनिट्स आके उस कॉमन फैसिलिटी का फायदा उठाए। मुझे खुशी है कि सतारा में तकरीबन 50% जो यूनिट्स लगने हैं वो ऑलरेडी लगने का काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 5000 युवकों को इस पार्क में रोजगार मिलेगा और इस पार्क के यहाँ आने से तकरीबन 25000 किसानों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होगा। जैसे अभी देखा कि किसान जो इनको सम्मानित किया गया है, चाहे वो किसान टमाटर के हो, चाहे वो उसके अनार के हो, चाहे स्पाइसेस के हो, चाहे दूध प्रोड्यूस करने वाले हो, उन सब की आमदन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है, क्योंकि जब तक वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक किसान की आमदन को बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस मेगा फूड पार्क के यहाँ आने से इस पूरे इलाके के इतने सारे जिलों के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि लगातार किसानों के भले के लिए पिछले 4 साल से हम स्कीमों को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे पहले स्कीम थी कि 50 करोड़ रुपए देके मेगा फूड लगाया जाए
उस स्कीम में हमने मॉडिफिकेशन कर दी है कि आप इस पार्क में कोई भी अपना यूनिट चे लगाना चाहता है तो उस यूनिट को भी हम 5 करोड़ रुपया देंगे कि मेगा फूड पार्क के अंदर आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो 5 करोड़ की सब्सिडी हमारे तरफ से दी जाएगी। निशाना ये था कि ये मेगा फूड पार्क जो बन रहे हैं ये जल्दी से जल्दी पॉपुलेट हो। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में हमारे मंत्रालय को 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं पिछले साल, अगले 2 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो जैसे एक तो मेगा फूड पार्क के अंदर यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी 5 करोड़ की दी जाएगी, ऐसे ही जैसे ये 50 एकड़ में मेगा फूड पार्क बनता है, एक मिनी फूड पार्क का क्लस्टर स्कीम जहां 10 एकड़ की जमीन में आप एक मिनी फूड पार्क बना सकते हैं। मिनी फूड पार्क के बनाने के लिए आपको कॉमन फैसिलिटीज बनाने के लिए 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी और कम से कम वहां पे 5 यूनिट लगने चाहिए, एक एक यूनिट के लिए भी 5 करोड़ दिया जाएगा, तो एक मिनी फूड पार्क के लिए आपको तकरीबन 35 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। तो इस इलाके में जहाँ पे अंगूर से लेके अमरूद से लेके दाल से लेके दूध से लेके अनार से लेके हर एक चीज उगती है, आप अपने अपने यहाँ पे जो क्लस्टर में मिनी फूड पार्क भी बनाना चाहें तो उसके लिए भी आपको 10 करोड़ और 5-5 करोड़ यूनिट लगाने की वो भी सब्सिडी हमारे मंत्रालय से आपको दी जा सकती है। किसान संपदा योजना में एक तीसरा नया कंपोनेंट जो हमने जोड़ा है वो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीम। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पवार साहब को दोनों को मेरी तरफ से मैं आग्रह करूंगी कि ये एक ऐसी स्कीम हमने बनाई है जो डायरेक्ट किसान इसका फायदा ले सकता है, चाहे इंडिविजुअल किसान हो, चाहे गांव के सारे किसान हो, चाहे फिर कुछ गांव के किसान इकट्ठे होकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी ही बहुत स्ट्रांग है वो इस बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का, एक किसान हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, उद्योगपति हो, कोई भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में जी आप किसान से आप अपना वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको 5 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जी आप एक प्रोसेसर है और आप उसका रिटेल करना चाहते हैं और किसान से डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको भी 5 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जी आप एक रिटेलर है और डायरेक्ट अपनी प्रोसेसिंग करके किसान से लेके अपने दुकान में बेचना चाहते हैं तो ये बैकवर्ड लिंकेज के लिए भी आपको 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। सो किसी तरह का कोई व्यापारी हो, कोई उद्योगपति हो, कोई प्रोसेसर हो, कोई किसान हो, आपको ऐसी हमने स्कीमें बनाई हैं कि आप कुछ ना कुछ लेके अपना वैल्यू एडिशन करके किसानों का बहुत बड़ा आप फायदा कर सकते हैं। इस बजट में, देश के बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल जिसका निशाना बनाया है कि किसानों का भला करना है, आपने देखा होगा कि जहां किसानी के लिए पिछले लगातार 4 सालों से चाहे फसल बीमा योजना हो जो सबसे कम प्रीमियम और सबसे ज्यादा आपकी इंश्योरेंस होती है, या नीम कोटेड यूरिया हो, या ई एग्रीकल्चरल मार्केट हो जहां किसान कहीं भी बैठ के थ्रू द अपने इंटरनेट के राही ऐसे ई एग्रीकल्चर मार्केट में दुनिया देश के किसी कोने में अपनी फसल बेच सकता है, कई ऐसे उन्होंने जो शुरुआत किया है वहां इस बजट में हमारे मंत्रालय का भी बजट दुगना कर दिया गया ताकि किसानों का और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हम और फायदा कर सके। और इससे मुझे खुशी है कि एक मिशन ग्रीन खास 3 ऐसे वेजिटेबल्स के लिए TOP, टी फॉर टमाटो, ओ फॉर अनियन और पी फॉर पोटैटो जो हर हिंदुस्तान के घर में जो उगते हैं, खास 500 करोड़ का मिशन ग्रीन एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है। आज मैं आप यहाँ पे जितने टमाटर के किसान होंगे, कोई इधर अनियन के किसान भी होंगे, आपको मैं बेनती करती हूँ कि आपको कैसे की स्कीम चाहिए आप हमारे मंत्रालय में अपने आइडियाज भेजिए, क्योंकि स्कीम का फ्रेमवर्क बनाना है वो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा फायदा आपको हो सके। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा रफ्तार में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ रहा है। और आपने देखा है कि हमारे देश में जो आज $600 बिलियन का जो रिटेल सेक्टर है उसमें से 70% फूड रिटेल का सेक्टर है, और ये जो फूड रिटेल का सेक्टर है ये अगले 3 सालों में 3 गुना बढ़ने लगा है, और जो आज फूड की डिमांड है ये 5 सालों में ये दुगनी होने लगी है।
तो ये ऐसा सेक्टर है जो आगे बढ़ता ही रहेगा। और आज सारी दुनिया हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि जैसे हमारी आबादी 1.3 बिलियन लोगों की है, राइजिंग मिडिल क्लास है, राइजिंग इनकम्स है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो इतना बड़ा मार्केट है वो दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और यही कारण है वर्ल्ड फूड इंडिया जो पहली बारी एक ऐसा फूड का मेला लगाया गया दिल्ली में 3, 4, 5 नवंबर 2017 में, जो दुनिया में कहीं बड़े बड़े देशों में लगता है वो हमारे हिंदुस्तान में लगा। और मैं उम्मीद करती थी कि इस मेले के लगने से अगले 2-3 सालों में शायद $10 बिलियन का निवेश आएगा, लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, अकेले 3 दिन वर्ल्ड फूड इंडिया में जो MOU साइन हुए वो तकरीबन 50 MOU साइन हुए और तकरीबन 1,00,000 करोड़ का FDI हमारे देश में अकेले 3 दिनों में आ गया। और खुशखबरी ये है कि उसमें से तकरीबन 9 MOU जिनका वैल्यू 3,000 करोड़ था वो आपके महाराष्ट्र राज्य के लिए भी वहां पे साइन हुए। तो हर एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये सेक्टर एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, मेक इन इंडिया का एक सनराइज और एक प्रोमिनेंट सेक्टर है जिसको पूरा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहां देश में इसकी डिमांड बहुत है, अब हम ऐसे इंपोर्टिंग नेशंस के बहुत करीब हैं, जैसे एक जापान है, दूसरा UAE, ऐसी कंट्रीज है जो अपना बहुत सारा खाना इम्पोर्ट करती है। ये सारे देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि जिस देश में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, हमारे देश में दुनिया का सबसे नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में है, दुनिया का 2 नंबर में फ्रूट वेजिटेबल सीरियल और मछली में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन चीजों में देश में नंबर 1 महाराष्ट्र है जहां तक फ्रूट प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन है, तो आपको बधाई हो। तो जब ये बड़े जापान और अरब कंट्रीज हमारे देश से सोर्स करके अपने देश में ले जाने के लिए देख रहे हैं, तो ऐसे के जितने मेगा फूड पार्क बनेंगे उनका ध्यान इसकी तरफ आएगा। और जैसे ये विदेशी कंपनियां आके मेक इन इंडिया करेंगी और मेक एंड टेक फ्रॉम इंडिया करेंगी, तो बहुत बड़ा फायदा हमारे किसानों को, बढ़िया दाम मिलेंगे क्योंकि जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग होगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ये जो हम रोज सुनते हैं कि इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है, कोई किसान का गल सड़ रहा है, ये सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से जब वो कम होगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और कंज्यूमर्स को जो इन्फ्लेशन होती है, जब 2 महीने बाद जब दाम बढ़ जाते हैं, जब फसल आती है तो एकदम गिर जाते हैं, 2 महीने बाद उसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, ये सब कंट्रोल में रहेंगे तो एज कंज्यूमर्स भी हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे गायकवाड़ साहब को और समूह प्रमोटर्स को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि जितने मेगा फूड पार्क्स पे मैं गई हूँ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही बढ़िया वन ऑफ द बेस्ट मेगा फूड पार्क्स है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती हो और फिर वहां पे मराठा स्ट्रॉन्ग मैन शरद पवार जी जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो और उसके साथ बीवी जी ग्रुप हो और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी की तरह जैसे उन्होंने फोकस इस सेक्टर को दिया है और जिस रफ्तार से क्लियरेंसेस दिए, क्योंकि ये तो अभी गायकवाड़ साहब बता ही रहे थे कि पार्क को बहुत पहले सैंक्शन हो गया था, लेकिन फिर हमारे मुख्यमंत्री जी के आने के बाद क्लियरेंसेस मिली और काम आगे बढ़ा और फिर आज हम इस पार्क का उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा क्रेडिट राज्य की सरकार को जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्लियरेंसेस की जरूरत होती है और ज्यादातर फूड पार्क अटक जाते हैं क्योंकि स्टेट लेवल की क्लियरेंसेस नहीं मिलती। सो मैं मुख्यमंत्री जी का भी शुक्रिया करती हूँ और गायकवाड़ साहब का, पवार साहब का, जिन्होंने इस स्कीम को इन्विजन किया। और यहाँ से मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे पूरा मान है कि ये 17 मेगा फूड पार्क जहाँ इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी तरक्की लेके आएगा, किसान की और नौजवान के बहुत बड़े बदलाव आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, हमारे मिनिस्ट्री का एक ये फ्लैगशिप फूड पार्क होगा जहाँ देश और विदेश से मैं यहाँ पे आके लोगों को दिखाऊं कि कैसे यहाँ के मेहनती किसान और मेहनती इंडस्ट्रियलिस्ट और अच्छी सरकारें जब अपना काम इकट्ठे होकर करती है तो फिर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की स्पीड से बढ़ता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस महान धरती पे आके जहाँ खुशी हो रही है, मुझे दुगनी खुशी इस बात की कि इधर के प्रमोटर्स ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना निशाना रख के आज उनकी मूर्ति की स्थापना अपने पार्क में करी है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ऊंची सोच है, बहुत बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है
बहुत ही मेहनती किसान है और बहुत ही ऐतिहासिक इतिहास इस धरती का है। तो इस धरती में आके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।